सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फाइलम जो आपका पॉलीफेरा है उसके बारे में। देखिए आप सबको बताया अपनी बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी सीरीज चल रही है, जो अपने एनिमल डाइवर्सिटी की बुक है उसका जो कंप्लीट सिलेबस उसको करने वाले हैं। तो आज अपना लेक्चर नंबर 3 है जिसमें अपन बात करेंगे फाइलम पॉलीफेरा है इसके जनरल करेक्टर की, साथ में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से। देखिए यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर दोनों के दोनों आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ आप समझ लीजिए और वहां से आप उनको इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल के अंदर वहां लिखे हुए उनसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ सिर्फ अपने समझने के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे कि फाइलम पॉलीफेरा आखिरकार क्या होता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं अपन फाइलम पॉलीफेरा की। तो फाइलम पॉलीफेरा की बात करें नाम से पता चल रहा है पॉली एंड फेरा। पूरी का मतलब क्या होता है, पूरी का मतलब है यहाँ पे किससे, पोर से, किससे रिलेटेड है ये, पोर से रिलेटेड है। फेरा का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, किसी चीज का बियर करना। तो मतलब जो आपके फाइलम पॉलीफेरा के जो मेंबर होते हैं उनके पूरे शरीर के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसलिए पॉलीफेरा के एनिमल्स को क्या बोला जाता है, छिद्रधारी एनिमल्स है वो भी बोला जाता है। हम जो पॉलीफेरा का है इसका एक दूसरा नाम और है, इसको जाना जाता है स्पंज के नाम से। मतलब पॉलीफेरा के सदस्य को किस नाम से जाना जाता है, स्पंज के नाम से। अब स्पंज के नाम से क्यों जाना जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए स्पंज, आपने स्पंज देखा होगा, जो फॉर्म देखा होगा उसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर आपको देखने को मिलते हैं। तो ठीक ऐसे ही क्या होते हैं इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके, इसके मेंबर्स में भी क्या होते हैं, शरीर पर छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, छिद्रधारी जीव, एंड क्या बोला जाता है, स्पंज का दूसरा नाम हो जाता है फाइलम पॉलीफेरा का। अब बात कर लेते हैं कि पॉलीफेरा की जो स्टडी थी वो सबसे पहले किसने की थी, मतलब पॉलीफेरा की जो स्टडी है वो किसने की थी, अरस्तु ने की थी। किसने, अरस्तु ने। साथ में क्या किया था, अब ये जो स्पंज नाम है पॉलीफेरा को स्टडी करने के बाद में पूरा का पूरा कंफ्यूज ये निकला कि इसका नाम क्या रखा जाए, स्पंज रखा जाए। तो वो नाम स्पंज किसने रखा, अरस्तु ने ही क्या रखा था, उसका नाम स्पंज। फिर बात कर लेते हैं अब पॉलीफेरा जो फाइलम है ये वर्ड किसने दिया था, ये टर्म किसने दी थी। तो ये किसने दी थी, आपके रॉबर्ट जो ग्रांट थे इन्होंने क्या था, 1825 के अंदर फाइलम पॉलीफेरा वर्ड है ये वर्ड या ये टर्म इन्होंने दे दी थी। तो ये तो अपन ने देख लिया फाइलम पॉलीफेरा का कुछ बेसिक। ओके तो ऑलमोस्ट इसकी जो 5000 स्पीसीज है वो अभी तक ज्ञात हो चुकी है, नॉर्मल बात आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अपने इसके जनरल करेक्टर्स की, आखिरकार फाइलम पॉलीफेरा के जनरल करेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ जनरल करेक्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है, आप एजेटिस जैसा का ऐसे एग्जाम में लिखा होगा तो आपको 100% पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। अपन पहले करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन इसी वीडियो के अंदर देख लेंगे। अब बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो इसके हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पे रहता है, तो ये कहाँ रहेगा, आपका जो इक्विटी वॉटर रहेगा मतलब जो समुद्री जल रहेगा, जो वाटर रहेगा उस वॉटर में प्रेजेंट होगा। वो वाटर कौन सा होगा, मोस्टली मेराइन होना चाहिए, मतलब या तो समुद्री जल या कुछ जो होते हैं वो क्या रहते हैं, फ्रेश वॉटर के स्वच्छ जल के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब जो आपके पॉलीफेराज होंगे उसके ज्यादातर तो कहां देखने को मिलेंगे, समुद्री वाटर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज है वो आपको कहां देखने को मिल सकते हैं, स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये कॉलोनी बना के रहते हैं, मतलब एक संगठित रूप में रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते, कॉलोनी के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं, मतलब नॉन मोबाइल है, ये चीज आपको याद रखना है, जो स्पंज होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं किसके, इसकी सिमेट्री की, कि आखिरकार इसकी सममिति कैसी होती है। तो ये कैसे होते हैं, असिमेट्रिक बोथ होते हैं, मतलब असममित होते हैं। अब देखिए अपन ने कल भी मैंने आपको बताया था, ऐसे भी मैंने पहले भी एक लेक्चर बना रखा है, मतलब जो सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, असिमेट्री। देखिए रेडियल सिमेट्री के अंदर मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, रेडियल सिमेट्री का मतलब हो गया कि किसी भी अक्ष से किसी भी एनिमल को कैसे भी काट लो उसके दो भाग होंगे वो बराबर आपको देखने को मिल जाएंगे, वो तो होती है रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो बाई का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है, दोष हो गया, मतलब किसी भी जीव को इस जगह से काटो कि उसके दो भाग क्या हो जाए, बराबर मात्रा में हो जाए, वो क्या हो जाए आपकी बाइलेटरल हो जाएगी। एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब होता है उसको ऐसे काटो, आधा केड़ा कैसे भी काटो, उसके दो भाग हो गए, मतलब उसकी जो मिरर इमेज होगी वो मिरर इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगी वो। तो इसका मतलब जो आपके पॉलीफेरा के मेंबर्स रहते हैं इनको कैसे भी काट लो इनके दो भाग बराबर नहीं देखने को मिलेंगे, मिरर इमेज इनके नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, कैसी सिमेट्री शो करते हैं, एसिमेट्री शो करते हैं। ओके अब बात कर लेते हैं अपन इनके शेफ की, आखिरकार इनकी आकृति कैसी होती है, शेफ कैसे होते हैं। तो ये देखने में कैसे हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, बेलनाकार हो सकते हैं, साथ में वेज लाइक हो सकते हैं, मतलब जो फूलदानी आपने देखा होगा, जो गमला वगैरह होगा आपके घर में, वैसे क्या होता है आपकी इनकी सेफ हो सकती है इनके पॉलीफेरा के मेंबर्स। अब बात कर लेते हैं इनके नेचर की, कि आखिरकार नेचर में कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं,
कोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा इनकी देह विधि की बात करें, इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होती है, इनकी बॉडी वॉल होती है, मतलब दो जनस्तर जो आपकी परत होती है बॉडी में इसकी होती है। फिर बात कर लेते हैं इसके स्केलेटन की, इसका जो कंकाल होता है वो कैसा होता है। इसका जो कंकाल होता है वो किस तरह का होता है, एंडोस्केलेटन टाइप का होता है, किस तरह का अंतः कंकाल होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्पाइकल्स होती है, छोटी छोटी धारियां होती है, स्पाइकल्स का अगर फॉर्म आने तो आप ये जो पेन की नोक देख रहे हैं, इस तरह से स्पाइकल होती है, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। वो अपन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि अपन देखिए पूरा का पूरा जो पॉलीफेड है, इसके जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मेंबर है उनसे रिलेटेड उनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसे होता है, किस तरह से वो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन किस तरह से करते हैं, ये सारी की सारी चीजें अपन आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, पर्टिकुलर जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का सेम देगा उसके कंप्लीट लेक्चर के ऊपर डिटेल के अंदर देखेंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं इसका जो डाइजेशन होता है वो किस तरह से करता है, पाचन की क्रिया होती है इसमें कैसी होती है, इंट्रा सेलुलर टाइप की होती है, अंतः कोशिकीय प्रकार की होती है। अब बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं। तो देखिए जो पॉलीफेरा के मेंबर्स होते हैं इनमें रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन जो ऑर्गन सेल है वो ऑर्गन तो क्या होते हैं, कंप्लीटली अब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऑर्गन तो क्या होंगे कंप्लीटली एब्सेंट रहेंगे, लेकिन फिर भी ये रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, ये जो आपका वॉटर कैनाल सिस्टम होता है उस वॉटर कैनाल सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं, ये आपके जो मतलब जैसे कि वाटर होता है, वाटर अंदर आएगा उसी के द्वारा जो वाटर के अंदर जो आपके हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल रहेंगे उनसे तो क्या ले लेंगे, रेस्पिरेशन कर लेंगे और उसी वाटर के द्वारा क्या कर देंगे, जो भी एक्सक्रेटरी पदार्थ है उसको छोड़ देंगे और वो उस के द्वारा क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जो अपन ने यहाँ बात की थी छिद्रधारी जीव, मतलब इनके अंदर जो छेद होते हैं उन छेद को क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रिया बोला जाता है, उसी ऑस्ट्रिया से क्या होता है वोटर एंटर करता है और वहीं से क्या निकलता है, वोटर बाहर की साइड में निकल जाता है। तो वोटर अंदर जाएगा तो वोटर के साथ में कांच क्या चला जाएगा, तो ऑक्सीजन चली जाएगी एंड जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होगा वो उसी वोटर के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, छिद्रधारी जीव भी बोला जाता है। तो एक्सक्रेशन रेस्पिरेशन जो ऑर्गन होते हैं वो तो ऑब्सेंट होते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन करते हैं इसके द्वारा आपके वोटर कैनाल सिस्टम के द्वारा। फिर बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भी अंकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें होता है गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट के फॉर्मेशन से क्या होता है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब आगे बात कर लेते हैं अपन इनमें फर्टिलाइजेशन की, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनमें जो डेवलपमेंट होता है, इनका जो परिवर्धन होता है वो परिवर्धन कैसा होता है, सिक्स प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट प्रकार का इनके अंदर जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें पुनर्जीवन की जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है वो इनमें प्रेजेंट होती है, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। ये सारी चीजें क्या है, बेसिक बेसिक जो चीजें थी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारे काफी सारे कैरेक्टर होते हैं। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, अब इसके क्लासिफिकेशन की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ट्रिक में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जिससे आप कंप्लीट क्लासिफिकेशन होगा उसको याद रख सकते हैं कि इसको कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। तो टोटल इसको तीन क्लास के अंदर डिवाइड किया गया फाइलम पॉलीफेरा को, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन इसका कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। तो चलिए अब अपन आगे बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो लास्ट में मैं आपको क्लासिफिकेशन की एक ट्रिक बताऊंगा ताकि जितने भी इसकी क्लास है वो सारी के सारी आपको चुटकियों में याद रहे। तो क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेसिस के ऊपर किया गया है पॉलीफेरा का, तो इसका जो स्केलेटन एलिमेंट है, मतलब स्केलेटन एलिमेंट हो गया एंड इसका जो कैनाल सिस्टम हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपका पॉलीफेरा है इसको तीन क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो याद रखना स्केलेटन एलिमेंट के बेसिस के ऊपर जो आपका फाइलम पॉलीफेरा है इसको तीन क्लास के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो क्लास नंबर फर्स्ट आ जाती है कैल्सी स्पॉन्जिया या कैल्केरिया, कौन सी आ जाती है क्लास फर्स्ट, वर्ग आपका जो फर्स्ट है कौन सी आ जाती है, कैल्सिकेरिया एंड कैल्सी स्पॉन्जिया आ जाती है। अब जो आपकी कैल्सी केरिया है, कैल्सी स्पॉन्जिया है, इसको एक नाम से और बोला जाता है, कैल्केरियस स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। इस क्लास को किस नाम से जाना जाता है, कैल्केरियस स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। कैल्केरियस स्पंज का मतलब हो गया कि इसके जो सदस्य होगा उनका जो स्केलेटन होगा वो किससे बना होगा, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है इससे बना होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब पूछ लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल पूछ लीजिए, तो इस क्लास के जो मेंबर होते हैं उनकी जो साइज होती है वो साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसके अलावा इनका इनहेबिट पूछ लीजिए कि कहाँ पे आपको पाए जाएंगे, तो ये जो मेराइन वोटर रहेगा एक्जैक्टली कहाँ पाए जाएंगे, जो आपका मेराइन वोटर होगा उस मेराइन के अंदर एक्जैक्टली आपको दिखने मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकी सेफ पूछ लीजिए कि इनकी सेफ कैसी होती है, तो इनकी सेफ होती है सिलेंड्रिकल हो गई एंड वेस्ट लाइक हो गई, मतलब जो फूलदानी होती है उसके जैसे क्या हो जाती है, इनकी सेफ हो जाती है। इसके स्केलेटन पूछ लीजिए कि इनका स्केलेटन कैसा होता है, तो स्केलेटन अभी अपन ने बात किया, कैल्केरिया
स्पाइकल्स क्या होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मतलब स्पाइकल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखिए एक तीन चार, मतलब स्पाइकल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह का स्पाइकल प्रेजेंट होगा क्या, स्पाइकल क्या होंगे तीन, इस तरह के क्या होंगे स्पाइकल प्रेजेंट होंगे, चार भी हो सकते हैं, तो एक दो तीन चार, इस तरह से क्या होंगे इनमें स्पाइकल्स होंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब पूरा पूरा जो इनका स्केलेटन कैसे होता है, स्पाइकल कैसी होती है, वो सारे पर आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर और देखेंगे। अब बात करते हैं इनके केनाल सिस्टम की, तो इसके अंदर जो केनाल सिस्टम होता है वो किस तरह का होता है, वाटर केनाल सिस्टम, एस्कोन एंड जो साइकोन टाइप का जो केनाल सिस्टम होता है, क्योंकि केनाल सिस्टम कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा, एस्कोन साइकोन एंड ल्यूकोन, उनमें से इसके अंदर क्या है दो तरह का जो केनाल सिस्टम होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल आ जाता है ल्यूकोसोलेनिया, एग्जाम्पल क्या आ गया ल्यूकोसोलेनिया आ जाता है। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो हाइलोस्पोंजिया आ जाता है, तो हाइलो जो स्पोंजिया है आपका, इसको एक नाम से और जाना जाता है, ग्लास स्पंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी साइज पूछ लीजिए तो इसकी साइज कैसी होती है, मॉडरेट होती है, मतलब मीडियम क्या होती है इसकी साइज होती है, ना ही बड़ी ना ही छोटी। फिर बात कर लेते हैं इनके हैबिटेट की, कहां देखने को मिलेगी, तो ये भी एग्जैक्टली कहां देखने को मिलेगी, मेराइन वाटर के एकदम डीप के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में इनकी शेप पूछ लीजिए कि भाई इनकी शेप कैसी होती है, तो कैसे होते हैं, कप लाइक होते हैं, एंड जो आपने फूलदानी मैंने आपको बताई थी उस तरह। इसके अलावा बात कर ले इसके स्केलेटन की, तो स्केलेटन कैसा होता है, सिलिकस होता है, स्पाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, और सिलिका के यहां क्या होते हैं, कैल्शियम के, तो यहां किसके होंगे, सिलिका के होंगे। किस तरह के होंगे, छह, देखिए एक दो तीन चार पांच एंड छह, इस तरह के क्या होंगे स्पाइकल्स होंगे, वो आपको इनके बॉडी के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। इसका स्केलेटन इस तरह से होता है। फिर इनमें केनाल सिस्टम की पूछ लीजिए, तो केनाल सिस्टम किस टाइप का होता है, इनमें ल्यूकोन टाइप का जो केनाल सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हाइलोनिमा इसका क्या आ जाता है, आपका एग्जाम्पल आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास की, क्लास नंबर तीन, क्लास नंबर तीन की बात करें तो डेमोस्पोंजिया इसकी क्या है, तीसरी क्लास है। अब ये जो इसकी साइज पूछ लीजिए कि इसके कैरेक्टर पूछ लीजिए, तो इसकी साइज कैसी होती है, अब याद एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो आपकी जो केल्सी केरिया थी आपकी क्लास, या जो क्लास जो आपकी केल्सी स्पोंजिया थी एंड आपकी हाइलोस्पोंजिया थी, इन दोनों के जो मिक्स कैरेक्टर होंगे वो आपको किस में देखने को मिलेगा, आपकी डेमोस्पोंजिया जो क्लास है इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब इन दोनों को आप पढ़ लोगे, इन दोनों का जो बीच का जो कैरेक्टर, दोनों के मिक्स जो कैरेक्टर, वो आपको थर्ड वाली क्लास है डेमोस्पोंजिया इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। देखिए इसकी साइज की बात करते हैं, स्मॉल से लार्ज, इसकी साइज देखिए स्मॉल है, इसकी साइज मीडियम है, तो इसकी स्मॉल से लेकर लार्ज, छोटे से लेकर बड़े तक क्या होती है इसकी साइज होती है। हैबिटेट की बात पूछेगी कि कहां पे देखने को मिलेगा हैबिटेट, तो ये आपको मेराइन वाटर में भी देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएगा, वो भी क्या डीप वाटर रहेगा, डीप में मतलब मेराइन भी डीप रहेगा, फ्रेश वाटर भी क्या होगा डीप देखने को मिल जाएंगे। इसके स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन होगा इसका एक से चार रे, मतलब या तो एक हो सकती है, दो हो सकती है रे, या तीन हो सकती है इसकी रे, या इसकी रे कितनी हो सकती है, आपकी चार इसकी रेज होती है वो देखने को मिली, और किसकी बनी होगी, सिलिकस की। देखिए यहाँ पे क्या थी, एक तीन चार थी, एंड यहाँ से क्या ले लिया, सिलिका ले लिया, तो एक से लेके चार इसकी सिलिका की क्या होंगे, स्पाइकल प्रेजेंट हो गए, साथ में स्पंज जो फाइबर होंगे उससे भी बना हो सकता है, इसके अलावा दोनों से मिलके भी क्या हो सकता है, इसका जो स्केलेटन है वो देखने को मिल सकता है। फिर बात कर लेते हैं इसके केनाल सिस्टम की, उसका केनाल सिस्टम कैसा होता है, ल्यूकोन टाइप का होता है, एंड ड्रेगोन टाइप का क्या होता है, इसका केनाल सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है स्पॉन्जिया, इसका एग्जाम्पल कौन आ जाता है, इसके मेंबर स्पॉन्जिया आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इन तीनों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए आपको याद रखना है कि पॉलीफेरा, देखिए जो आपका फाइलम प्रोटोजोआ था उसका भी मैंने आपको बताया था एसएमएस करके ट्रिक बताई थी, तो इसकी भी एक ट्रिक है कि जो पॉलीफेरा है वो क्या है, आपकी एक चाइनीज दुकान है। पॉलीफेरा क्या है, आपकी एक चाइनीज दुकान है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, अजीब सी तो है लेकिन फिर भी याद रखने के अकॉर्डिंग अपन को याद रखना है कि पॉलीफेरा क्या है, एक चाइनीज दुकान है। चाइनीज देखिए, चाइनीज से क्या आ जाएगा, चाइनीज की स्पेलिंग से इसका सी आ जाएगा, दुकान की स्पेलिंग से इसका डी आ जाएगा, एंड है की स्पेलिंग से क्या आ जाएगा, इसका एच आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सी बी एच क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई, या अपन याद रख सकते हैं चाइनीज की पॉलीफेरा क्या है, आपकी एक चाइनीज दुकान है। क्योंकि देखिए चाइना, चाइना के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा पॉलीफेरा वगैरह है देखने को मिल जाते हैं आपको। वैसे नहीं कि पॉलीफेरा मतलब सजावट के रूप में इनका ज्यादातर यूज किया जाता है, गिफ्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो उस तरह से। तो अपन बात कर लेते हैं सी से, सी से कौन सी आ गई आपकी, केल्केरिया आ गया, केल्सी स्पॉन्जी आ गई। डी से क्या आ गई आपकी, डोमो स्पॉन्जी आ गई, एंड एच से आपके क्या आ गई, हेलो स्पॉन्जी आ गया। तो इस तरह से क्या आ गई, एक ट्रिक आ गई कि फाइलम आपको पॉलीफेरास को याद रखने का याद तरीका याद रखना है कि फाइलम पॉलीफेरा क्या है, एक चाइनीज दुकान है। चाइनीज दुकान से आपका सी का मतलब क्या आ गया, आपकी केल्केरी आ गया, केल्सी स्पॉन्जी आ गया। डी से क्या आ गया आपका, डिमोस्पॉन्जी आ गया। इसके अलावा आपका है से क्या आ गया, हेलो स्पॉन्जिया आ जाए। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक, एंड ये पूरी की पूरी कंप्लीट लेक्चर आपके फाइलम पॉलीफेरा के ऊपर, इसका क्लासिफिकेशन एंड इसके जनरल करेक्टिक्स। इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप उनको इसीलिए डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, थैंक यू। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।